स्थान है। मैं आला अध्यक्ष की जानिब से यहाँ पर तमाम सामाजिक संगठनों के साथ जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंप में आया हूँ कि पुराना शहर एक घनी आबादी बड़ी आबादी का क्षेत्र है जिसमें पढ़ाई का स्तर और जागरूकता स्तर निम्न स्तर पर है। आधार कार्ड संबंधी जो परेशानी दर्शाई जा रही है उससे संबंधित ही मैं ज्ञापन सौंप आया हूँ तमाम सामाजिक संगठनों की मौजूदगी में कि पुराने शहर में बुजुर्गवार जो महिलाएँ और बुजुर्ग हैं वो लाइन में लगते हैं। इसकी वजह से भी है कि वहाँ पर एक ही सेंटर है जहाँ पर आधार कार्ड बनते हैं। हफ्ते में एक बार फार्म का वितरण होता है वो भी आबादी के अनुपात के नाम वाले। सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद सभी बुजुर्गों महिलाओं के हाथ निराशा ही लगती है और वो इसको कह के ये कह दिया जाता है कि आपका नंबर अभी नहीं आया है, अगले हफ्ते आइए फार्म ले जाइएगा। तो हम ये मांग करने आए हैं कि पुराने शहर की आबादी के हिसाब से वहाँ पर दो या तीन से लगभग एक सेंटर खुलना चाहिए जहाँ पर फार्म वितरण हो, आधार कार्ड बने। और मैं आपको बता दूं पुराने शहर एक बहुत पुराना शहर ही है, वाकई में वो पुराना शहर ही है, वहाँ पर जागरूकता का कोई स्तर नहीं है और जो लोग जागरूक हैं उनके हाथ में ये निराशा हाथ लगती है और वो वापस भी लौट जाती है। हाँ गुल्फा में दो गुल्फा में क्या कहना आपका? मेरा ये कहना है कि जो पुराने शहर है आबादी बहुत बड़ी है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक डाकखाने में ऐसा क्यों? बैंक भी हैं पुराने शहर में, बहुत और से बैंक खोले गए हैं लेकिन उसमें इनकी आबादी के हिसाब से एक सेंटर खुलना चाहिए। और जो सेंटर खुले हैं जो बाहर वो लोग जाते हैं वहाँ दलाल सक्रिय है, दलाल 250 से 300 रुपये लेता है उन गरीब लोगों को जिनको 50 रुपये में सरकारी फीस है उसमें 250-300 रुपये लेता है। उन गरीबों को परेशानी उठानी नहीं पड़ती है, फिर 250 रुपये देने का मतलब यानी है करप्शन, और करप्शन का मतलब यह है मोदी जी के अभियान को पलीदा लगाना। और जब मोदी जी ने कह रखा है कि हमारे यहाँ ना खाएंगे ना खाने देंगे तो उन गरीब से 250-300 रुपये हर बैंक के आगे एक दलाल टहलता है और 300-400 रुपये लेता है। ये क्या है, ये क्या व्यवस्था है? गरीबों का मतलब यह है कि हम उन्हें लूटेंगे? जब मोदी जी ने कहा है आधार जरूरी है तो आधार का मतलब लूट नहीं है। मोदी जी के सपने को साकार कीजिए और जितने भी पुराने शहर में एक आध सेंटर खोलिए, कम से कम 2 सेंटर तो होने चाहिए, बैंक बहुत है, बैंक में कम से कम 2 लोग होना चाहिए और दलाली को खत्म करना चाहिए। ठीक है, आला जज ट्रस्ट की जानिब से आज तमाम सामाजिक संगठन यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष ज्ञापन सौंपने आए हैं। पुराने शहर जो बड़ी आबादी का क्षेत्र है, घनी आबादी का क्षेत्र है, जागरूकता का और पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न स्तर पर है, वहाँ पर आधार कार्ड संबंधित जो परेशानियाँ दरपेश आ रही हैं उसके लिए हम एक शिकायत भी करने आए हैं, ज्ञापन सौंपने आए हैं कि पुराने शहर में एक यूनिट टोला में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर एक नाम मात्र को फार्म बांटे जाते हैं और एक हफ्ते में एक ही बार फार्म का वितरण होता है, वो भी आबादी के अनुपात से नाम मात्र को। बुजुर्ग महिलाएं